जी हाँ, जिस तरह पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें हमारी आर्ट फील्ड्स के हवाले से, तो हमारे अदाकार हों, गुलूकार हों, फनकार हों, वो अपने काम के ज़रिए जो है मुतासर करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही नामवर गुलूकारा हैं जो कि जिनका बेसिकली ताल्लुक तो मुल्तान से है लेकिन अब लाहौर में रहती हैं, और फोक सॉन्ग्स हो, पंजाबी सॉन्ग्स हो, भंगड़ा सॉन्ग्स हो, उर्दू के गाने हो, हर किस्म के गाने गाती हैं, फिल्मों में भी गाने गा चुकी हैं। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं ज़ीरा खान। ज़ीरा, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच। वेलकम। ये बताइएगा कि कब से आप गा रही हैं? मैं बेसिकली जैसे कि बताया कि मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, और यहाँ प्रॉपर तरीके से जो है वो मैंने जब स्टार्ट किया तो वो लाहौर आके, अच्छा, फिर मैंने हरी 5 साल से मैं गा रही हूँ। सही। तो आज हमें क्या सुना रही हैं आप? जी बहुत कुछ है हमारे पास और बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं आपको, खूबसूरत सा तो जरूर सुनाइए। तेरे प्यार ने खोले खुशी मेरी, ए हीरो गवलड़े दिल दे रे, हरी वां कलेजे नु चीर दहे, हरी वां कलेजे नु चीर दहे, दिलों वख जो तेरा ख्याल होवे, ला 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 भूल जान सब गम दुनिया दे, भूल जान सब गम दुनिया दे, जिनू प्यार करा जे नाल होवे, ला 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 भूल जान सब गम दुनिया दे, सारी जिंदगी दिल दा चैन लभ्या, चैन लभ्या नहीं दुख मिल दे रे, तेरे प्यार ने खोले खुशी मेरी, यही रोग वलड़े दिल दे रे, हरी वांग कलेजे नु चीर दहे, हरी वांग कलेजे नु चीर दहे, दिलों वख जो तेरा ख्याल होवे, ला 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 भूल जान सब गम दुनिया दे। बहुत खूब, बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब आपकी आवाज़ में एक वही मुल्तान का जिस तरह की है ना, सराइकी ज़बान ऐसी बड़ी मिठास, मिठास होती है। तो ये बताइए कि वैसे कब से गा रही हैं, कब आपने गाना शुरू किया और कब महसूस हुआ कि नहीं मुझे प्रोफेशनली सिंगर? आर्टिस्ट जो है ना, जो फनकार है, वो तो उसके अंदर एक रब बना देता है कुदरती। हाँ। उसे पता होता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। अच्छा। लेकिन मैं बचपन में जब सुनती थी मुख्तलिफ आर्टिस्टों, तो मैं उनको फॉलो करती थी, उनके साथ गाती थी, फॉलो करना, वो गानों को पिक करना, वो बस तभी से पता लगा कि मैं गा सकती हूँ। तो फिर कुछ फैमिलीज, कुछ आपको पता कि जब वो एक दौर अलग होता है, अब दौर और है, तो बस फिर मैंने कहा कि मैंने तो एक दिन ज़िंदगी में जब भी चांस मिला तो ज़रूर मैं सिंगर बनूँगी, तो आज आपके सामने। सही, वेरी नाइस। तो ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि मुल्तान से आपका ताल्लुक है, तो कुछ फोक सॉन्ग्स भी गाती हैं? जी फोक भी, मतलब हर टाइप के सॉन्ग। अच्छा, कुछ मूवीज में भी गाया है? जी मूवीज में भी गाया, फिर ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स भी, और उसके बाद और भी अपने सॉन्ग्स हैं, वो भी उन पर भी काम जारी है, डुएट सॉन्ग भी लोगों के साथ बहुत सारे गाए। अच्छा। सही सही। तो और क्या सुना रही हैं आप हमें? आपको सुनाते हैं जरा, अपने इलाके का सुनाते हैं, सुल्तान से। ओ मैं तो खफाए, मैं उस तो खफा, सजना दे हक विच मैं बिल्कुल सफा, ओ इस हक गुरबत असा कूचा बुड़न, ना बे वफाए ना मैं बे वफा, हटिया तो लै पर दे
खून असील हो मन गीला सजना दा नहीं कर दे माड़ा होवे यार गीला नहीं करींदा सजना दे बारे बुरा नहीं सोचींदा ढोले दे बारे बुरा नहीं सोचींदा भावे देवे मार गिला नहीं करींदा सजना दे बारे बुरा नहीं सोचींदा ढोले दे बारे बुरा नहीं सोचींदा कोई बस मियां वाली हाय कोई वसे मियां वाली कोई वसे वाते कोई समय कंडे आते कोई समय वादे ओ कोई समय बाते हर दा नसीब चंगा नहीं लखींदा सजना दे बारे बुरा नहीं सोचींदा ढोले दे बारे बुरा नहीं सोचींदा माये दे बारे बुरा नहीं सोचींदा बहुत खूब बेहतरीन सो फोक जो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो फोक सॉन्ग्स हैं उनका कुछ भी मिठास भी आती हाँ, है इनके लहजे में जो वेरिएशन लेके आती हैं वो बड़े मजे की है अच्छा आपके पाकिस्तान में कौन कौन से पसंदीदा सिंगर हैं जिनको ज़्यादा सुनती हैं और गाना भी आपको पता हमारे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मेरी मोस्ट फेवरेट मैडम नूरजहां जी आपको पता है कि उनके जितने भी उन्होंने जो कुछ भी काम कर दिया है लाजवाब काम है और हम जितने भी नए आने वाले लोग हैं उन्हीं को फॉलो करके आगे तो मैडम जी इसी तरह फिर मुझे ज़ुबैदा खानम जी बहुत पसंद है रूना लैला जी बहुत पसंद हाँ जी उनके मैडम नूरजहां को क्या डेडिकेट करेंगे आज जी ज़रूर उनकी गज़ल मुझे बहुत पसंद है हाँ। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने अंदर का टैलेंट कि हाँ। क्या है जी जी जरूर नियते शौक भर ना जाए कहीं नियते शौक भर ना जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जा कहीं नियत शौक भर न जाए कहीं आओ कुछ देर रो ही ले नास रोहिले नास फिर ये दरिया उतर ना जाए कहीं तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं नियते शौक भर ना जाए कहीं बहुत शानदार बाकी आप अच्छा गाती हैं और मैडम को गाना बहुत मुश्किल है गाना। बहुत मुश्किल है और आपकी जो रियाजत है वो बिलाशुबा आपकी गायकी से जो है वो नज़र आती है और हम यही ख्वाहिश करेंगे कि आप इसी तरीके से गाती रहिए प्लेबैक सिंगिंग करती रहिए जो आपके आगे के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी आपको बेतहाशा कामयाबी जी बिल्कुल ऐसा ही एक आर्टिस्ट बस एप्रिसिएशन ही चाहता है अपने काम की और मैडम जी को गाना वाकई बहुत मुश्किल है लेकिन यह कि हमने उन्हें अपना सब कुछ माना अपना रूहानी उस्ताद और उसी तरह उनकी गीत को फॉलो करके मैं हर अच्छे आर्टिस्ट को सुनती हूँ ये मेरी एक नेचर है मैं चाहती हूँ कि हर उस आर्टिस्ट को सुना जाए थोड़ा 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 किसी से सीखा ये समंदर है मौसीकी बिल्कुल समंदर सो जिस तरह सलमान कह रहे थे कि आप ऐसे ही गाते रहे हम जो हैं वो भरपूर दुआओं के साथ आपको भेजेंगे कि आपके अगले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन रहें थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू सो मच